अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर ऑल फाइन एंड स्टे वेल एट होम. वेलकम बैक इन योर क्लास साइंस. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल वर्ल्ड. डे 15 है आपका. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसका बी जो पार्ट है वो हम पढ़ रहे हैं. राइट डाउन सम करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बर्ड. एक बर्ड की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बताना है, उसके जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं या उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनके बारे में. तो बर्ड्स तो हमने देखे हुए हैं बिल्कुल, परिंदे जो हैं उन परिंदों में कौन कौन सी खसूसियात हैं या उनके फ़ीचर्स कैसे हैं, फ़िज़िकली वो कैसे दिखते हैं, इसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे. हमने इस डिस्कशन में हमने देखना है कि बर्ड्स के फ़ीचर्स क्या हैं. चंद एक फ़ीचर्स जो हैं वो हम लिखेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे. जी, तो हमारे पास आंसर है इसका. इनका जो पहला करेक्टरिस्टिक्स है वो है दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. बिल्कुल, ये लंग्स के थ्रू जो है वो ब्रीथ करते हैं. सांस लेने का अमल जो है वो लंग्स के थ्रू हो रहा होता है. दे हैव विंग्स एंड फीदर्स. इनके जो विंग्स हैं और फीदर्स हैं, मतलब इनके बहुत मतलब उनके बॉडी साइज़ के हिसाब से इनके पर होते हैं, और उसके अलावा इनके ऊपर फारसी होती है, मतलब फीदर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, और जो उसके अलावा उनके बॉडी के ऊपर विंग्स होते हैं जो कि वो उड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं. दे हैव विंग्स एंड फीदर्स हो गया. दे आर वार्म ब्लडेड. वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है? वार्म ब्लडेड बेसिकली बेटा हम ये कह सकते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा भी वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड के बारे में. तो वार्म ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद से मेनटेन कर सकते हैं. मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, और उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के लिहाज से डिफरेंट होता है. तो ये भी एनिमल्स जो ये एनिमल्स नहीं है, ये बर्ड्स हैं. जो बर्ड्स होते हैं ये भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ये क्या कर सकते हैं, बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं. इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, बल्कि अप्स एंड डाउन जो हैं वो कर सकते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर. इस लिहाज से इनको जो है वो कहा जाता है कि ये वार्म ब्लडेड हैं. इज़ दैट क्लियर? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.